जम्मू कश्मीर के त्राल में एक मुठभेड़ में आतंकी संगठन अंसार गजवतुल हिंद के सरगना जाकिर मूसा के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर जाकिर मूसा के मारे जाने का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा बलों के मुताबिक बीती रात उन्होंने एक मुठभेड़ के समय जाकिर मूसा को घेर लिया। जाकिर मूसा हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रहे बुरहान वानी का करीबी साथी था। बाद में उसने हिजब को छोड़कर अपना आतंकी गिरोह बना लिया था। तो पहले हिजब कमांडर था जाकिर मूसा के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आतंकी संगठन अंसार गजवतुल हिंद के सरगना जाकिर मूसा के मारे जाने की खबर है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, जाकिर मूसा का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी? बिल्कुल, मोस्ट वांटेड मिलिटेंट करार दिया गया था उसको, और जो लिस्ट जारी की थी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसमें भी उनका नाम टॉप पे था। और अभी जाकिर मूसा मारा गया है एनकाउंटर में। ये डार सत्राल का एरिया है। कल शाम को जो है रोशनी ही थी उस टाइम, उसी टाइम कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि इस एरिया में जाकिर मूसा छुपे हुए हैं। और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ, काफ़ी देर तक ये एनकाउंटर चला और खबर आई कि जाकिर मूसा फंसा हुआ है। और उसके बाद जो है जाकिर मूसा के मारे जाने की खबर आई और आज बॉडी जाकिर मूसा की रिकवर हुई है। तो जाकिर मूसा मारा गया है इस एनकाउंटर में, और जाकिर मूसा की काफ़ी सारी पिक्चर्स जो है वो वायरल हो गई थी और उसके साथ साथ काफ़ी सारे वीडियोज उसने जारी किए थे। और वो जो है अंसार गजवतुल हिंद के चीफ थे यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि जो मोस्ट वांटेड मिलिटेंट था उसको आज मारा गया है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस जरूर इसे कामयाबी मानती है, बहुत बड़ी कामयाबी। बिल्कुल रिफत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली इस बंपर जीत को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का करिश्मा बताया जा रहा है, क्योंकि इस जोड़ी के आगे न कोई गठबंधन टिका और न कोई महागठबंधन ही चला। जीत का आंकड़ा तो इस बार 2014 से भी बड़ा हो गया, और इस जीत के नायक रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह। इसलिए बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई। होर्डिंग पर प्रधानमंत्री और अमित शाह की तस्वीर लगाकर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद लिखा गया। बीजेपी दफ्तर में जश्न चलता रहा, ढोल नगाड़े, बैंड लहराते हुए पार्टी के झंडे, नेताओं के कटआउट और हर चेहरे पर जीत का उत्साह। जैसे ही अमित शाह पार्टी दफ्तर पहुंचे, उनकी कार को दफ्तर में पहुंचने के लिए जगह मिलनी मुश्किल हो गई। कार्यकर्ताओं की ऐसी भीड़ की गाड़ी का सरकना भी मुश्किल लगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर अमित शाह गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़े हो गए और लोगों का अभिवादन करने लगे। अचानक अमित शाह पर फूल बरसाए जाने लगे और उत्साह में भरे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि बीजेपी दफ्तर में जश्न का दौर शुरुआती रुझानों के बाद ही शुरू हो गया। बीजेपी दफ्तर में कोई कार्यकर्ता बीजेपी के झंडे वाली पोशाक पहनकर पहुंचा, तो कोई प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेकर पहुंचा। उत्तराखंड की कुछ महिलाएं तो पारंपरिक परिधानों में सज धज कर पहुंची। हम तो ये कहेंगे जितनी खुशी बेटे की शादी में होती है उतनी खुशी हमारे को आज हो रही है। हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं और हमारे वहाँ शुभ काम में ये हमारी वेशभूषा पहनावा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की।